नमस्कार दोस्तों, दोस्तों ए टू जेड रिपेयरिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डीटीएच के पावर सप्लाई को कैसे ठीक करते हैं। दोस्तों ये डीडी फ्री डिश है हमारा, इसमें लाइन जब देते हैं तो यहाँ डिस्प्ले पर लाइट नहीं जलता है और ये कंडेंसर भी हल्का सा फूला हुआ नज़र आ रहा है। मतलब ये कि ये पावर सप्लाई जो हमारा ख़राब है, तो आज इसी को कैसे ठीक करते हैं ये आपको दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इसमें जो है यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो देख सकते हैं अपना मीटर को कंटिन्यूटी रेंज में रख लिए हैं, और कंटिन्यूटी रेंज में रखने के बाद में यहाँ पे जहाँ 220 वोल्ट इन होता है वहाँ पे मीटर का प्रोड लगाएंगे। तो अब देख सकते हैं यहाँ कुछ भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ एक फ्यूज का बॉक्स लगा हुआ है, तो ये बॉक्स में एक फ्यूज है हमारा, तो ये फ्यूज को हम चेक कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्यूज जो है जला हुआ है, तो नया फ्यूज इसमें डाल लेते हैं। नया फ्यूज डालने के बाद में दोबारा से यहाँ कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी मिल रहा है, तो लाइन देने से पहले इसको एक बार सीरीज से चेक कर लेते हैं कि आगे शॉर्टिंग है या सिर्फ फ्यूज का दिक्कत है। तो ऐसे तो आगे दिक्कत है ही, तभी ये कंडेंसर जो है लीक हुआ है। तो आपको दिखाने के लिए मैं एक बार शुरू से जो है इसको बताने वाला हूँ। तो चलिए ये हमारा सीरीज बल्ब है, सीरीज से एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जो सॉकेट पे चेक कर रहे हैं तो बल्ब हमारा जो है जल रहा है, तो इसका मतलब है कि आगे शॉर्ट है। तो शॉर्ट क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे चार डायोड लगा हुआ है, ये डायोड के शॉर्ट होने के कारण भी जो बल्ब जल सकता है। ये आईसी हमारा 22 है, ये भी शॉर्ट होने के कारण जो है ये हमारा बल्ब जल रहा होगा। तो बारी बारी से हम सारे डायोड को जो है चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो चार डायोड लगा हुआ है उसको बारी बारी से चेक करना है। इधर से नहीं बता रहा है कंटिन्यूटी, इधर से चेक करेंगे। इधर से देखिए 590-92 के आसपास बता रहा है, तो ये डायोड हमारा ठीक है। तो इस तरह चेक करेंगे, आप देख सकते हैं कि इसमें बीप मिल रहा है, ये डायोड हमारा जो है शॉर्ट है। ये डायोड जो है 600 के आसपास में मिल रहा है, तो इसको हम खोल के चेक करेंगे। इसमें भी 600 के आसपास में कंटिन्यूटी मिल रहा है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि पावर सप्लाई में यदि एक भी डायोड यदि ख़राब है तो आप पूरा के पूरा चारों डायोड बदल दें, क्योंकि जब एक डायोड ख़राब होता है तो उसका इफेक्ट जो है और सब डायोड पर भी पड़ता है, डायोड कमज़ोर हो जाता है बाद में जो ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे अभी मैं चारों डायोड को बदलने वाला हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो डायोड था वो हमने खोल लिया, अब इसमें नया डायोड लगाने जा रहे हैं। तो डायोड लगाने का यहाँ पे सिम्बॉल बना हुआ है, ये जो प्लस वाला सिम्बॉल है और ये डायोड का प्लस सिम्बॉल है जिसमें वाइट कलर का मार्किंग किया हुआ है, तो इसको इस तरह लगाना है। डायोड को उल्टा नहीं लगाएंगे।
कंडेंसर जो है देख रहे हैं हल्का सा फूला हुआ है, ये कंडेंसर भी बदल देना है। नया कंडेंसर है मेरे पास, इसका नंबर है 47 MF 450 वोल्ट। तो ये मार्किंग जो किया हुआ है व्हाइट कलर का, ये माइनस है, इस तरह लगाना है। एक बार फिर से सीरीज से चेक कर लेते हैं कि शॉर्टिंग हटाए कि नहीं। तो ये देख सकते हैं अभी हमारा बल्ब जो है जल रहा है, इसका मतलब ये है कि शॉर्टिंग नहीं हटा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि ये आईसी जो है देख रहे हैं ये 22 आईसी है, इसको बदलना है। तो दोस्तों आईसी लगाने के बाद में एक बार फिर से इसका शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं कि शॉर्टिंग ख़त्म होगा कि नहीं। तो देख सकते हैं शॉर्टिंग हट गया है, बल्ब जो है नहीं जल रहा है, देख सकते हैं बल्ब नहीं जल रहा है और यहाँ पे हल्का सा स्पार्क कर रहा है और SMPS भी हल्का सा आवाज़ कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका शॉर्टिंग जो है हट गया। अब इसको सेटअप बॉक्स में लगा के देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। लाइन दे दिए हैं, ये चेक लगाना है। तो देख सकते हैं सेटअप बॉक्स हमारा जो है चालू हो गया है, मतलब ये कि हमारा SMPS जो है बन गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कुछ सुझाव देना तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।